इंतजार की घड़ियां खत्म होने के करीब ऑरेंज ट्रेन पटरी पर आने को तैयार। 10 दिसंबर को आजमाइशी ऑपरेशन शुरू करने की हतमी मंजूरी। ट्रेन डेरा गुजरा से अली टाउन से ब्लिंग यॉर्ड तक चलाई जाएगी। ट्रेन की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा रखी जाएगी। आजमाइशी सर्विस के दौरान ट्रेन किसी भी स्टेशन पर नहीं रुकेगी। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की वजीर आला को ब्रीफिंग। उस्मान बुज़दार का ट्रेन रूट के नीचे सड़कों की जल्द तामीर का हुक्म। ट्रैफिक मैनेजमेंट को भी बेहतर बनाने की हदायत की। ऑरेंज ट्रेन चलने से पहले ही खजाने को अरबों का टीका। अराजी के हसूल में एलटी अफसरान की मुबैना लापरवाही सामने आ गई। मुतासरीन को अरबों की अदायगी। अराजी फिर भी हुकूमत के नाम नहीं। स्पेशल डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी अजलास में रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। पंजाब असेंबली में पेश की गई स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट ने करप्शन का राज फाश कर दिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने स्मोक का मलबा साबिक हुकूमत पर डाल दिया। सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि साबिक दौर की गलत पॉलिसियों से आज शहर आलूदा है। लाहौर में 60,000 कैनाल पर अर्बन फॉरेस्ट स्टेशन लगाए जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत जरताज गुल से मुलाकात में गुफ्तगू। माहौलियाती आलूदगी की रोकथाम से मुतालिक इकदाम पर तबादला ख्याल। शजर है तो है बस्तियां आबाद हर सू। शजर ही से है इस जहां में रंगो बू। फजाई आलूदगी के खात्मे के लिए दरख्तों का अहम किरदार। करोल गांव के मसनू जंगल में भी बहार आने लगी। 600 एकड़ पर मुश्तमिल करोल जंगल परिंदों का भी कुदरती मस्कन। माहौल को साफ और शफाफ रखने के लिए जंगल के रकबे में मजीद इजाफे का फैसला। तब्दीली सरकार का फिर से अवाम की जेबों पर वार। बिजली 11 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी। अवाम पर 12 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कीमतों का इतलाक रकम दिसंबर 2019 से होगा। नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत बिजली 3.59 रुपए फी यूनिट पहले ही महंगी कर चुकी। हुकाम जो सिफारिश करवाए उसे डबल जुर्माना आयद करो। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का गिरा फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को जखीरा अंदोजों के खिलाफ फौरी क्रैकडाउन की हिदायत। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इजलास में अहम फैसले। नाकिस कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसर ओहदे पर नहीं रहेगा। चीफ सेक्रेटरी की सिटीजन पोर्टल पर शिकायत का अजाला तरजीही बुनियादों पर करने की हिदायत। नाकिस मंसूबा बंदी शोबा कंट्रोलर इम्तिहानात की नाहली। तलबा का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी शफाफियत में मुसलसल फेल। नाकिस मंसूबा बंदी के 22 5 पर्चे वक्त से पहले ही आउट हो गए। बीए अंग्रेजी बीए उर्दू एमए के पर्चे आउट हुए। ब्लैकलिस्ट अफराद की तायुनाती से पर्चे आउट हुए। जराए चौबुर्जी धमाके की इंक्वायरी रिपोर्ट सूबाई वजीर कानून को पेश। बशारत राजा की जेर सदारत काबीना कमेटी बराए अमन अमान से मुतालिक इजलास। आईजी शुएब दस्तगीर समेत आला अफसरान की शिरकत। चौबुर्जी धमाके में मुलविस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। मासूम इंसानी जानों से खेलने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। बशारत राजा की गुफ्तगू। जस्टिस मामूनू रशीद शेख लाहौर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस मुकर्रर। सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट यकुम जनवरी को अहदे का हलफ उठाएंगे। गवर्नर पंजाब जस्टिस मामूनू रशीद शेख से हल्फ लेंगे। मियां असलम इकबाल ने शहबाज शरीफ को करप्शन का आइंस्टाइन करार दे दिया। वजीर सनत और तजारत कहते हैं बड़े मंसूबों में नवाज शहबाज ने बड़ी करप्शन की। नून लीग की सियासत अब लूटी हुई दौलत बचाना है। दोनों भाई अब लंदन में करप्शन की यूनिवर्सिटियां खोलेंगे। शहबाज शरीफ के असासों में 70 गुना इजाफा हुआ। हमजा के बाद सारे काम टीटी मास्टर सलमान शहबाज के हवाले किए गए। जो भी करप्शन में मुलविस पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
कायम मकाम डायरेक्टर FIA अब्दुर्रब ने वाज़े कर दिया। कहते हैं कि बेहतरीन अफसरान को बेहतरीन सीटों पर तायुनात करेंगे। हमारे फैसले इंसाफ पर मबनी होंगे। हवाला हुंडी और इंसानी स्मगलिंग केसेस को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। छोटे लोगों की बजाय बड़े लोगों पर हाथ डाला जाएगा। गाजियाबाद अस्पताल में लवाहिकीन और अमले में लड़ाई का मामला। डॉक्टर उमर की मुदय्यत में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गुज़िश्ता रोज 19 साल मरीजा मेविश को चेक ना करने पर अस्पताल मैदान जंग बना। लड़ाई के दौरान अस्पताल के 4 मुलाजिम जख्मी हुए थे। मेरी जान को खतरा है, धमकियां मिल रही हैं, मुझे मारकर मामला दबाने की कोशिश की जा रही है। साबिक सुपरिटेंडेंट का शाना अफशान लतीफ ने सिक्योरिटी का मुतालबा कर दिया। कहती है कि बच्चियों को हरासा करने की वीडियो मौजूद है। केस वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है। साबिक DG वजीर अजमल चीमा और अफसरान मुलविस हैं। चीफ जस्टिस से तहफ्फुज की अपील करती हूँ। नैब लाहौर अवाम की जमा पूंजी महफूज बनाने के लिए पुरअज़्म। एमिरेट्स मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग मुतासरीन में 5,83,00,000 के चेक तकसीम। तकरीब में डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन एहतराम डार की बतौर मेहमान खास शिरकत बोले, नैब अवाम की लूटी रकम को वापस दिलवाने के लिए कोशां है। DG नैब की सरबराही में पूरी टीम दिन रात काम कर रही है। LDA सिटी हाउसिंग स्कीम मंसूबे में अहम पेशरफ्त हुई। फेज 1 की 13,000 कनाल अराजी एक्वायर कर ली गई। 9,712 फाइल होल्डर्स को जिन्हें सेक्टर में प्लॉट मिलेंगे। दीगर फाइल होल्डर्स की कुरानदाजी 14 फरवरी 2020 को होगी। DG सुमेर अहमद सैयद ने तमाम डायरेक्टोरेट सरबराहान का कल इजलास तलब कर लिया। एडिशनल डायरेक्टर जर्नल्स चीफ इंजीनियर जारी मनसूबों पर ब्रीफिंग देंगे। मुकुलपुरा रोड बाजा लाइन का इलाका मिसाइल का गढ़ बन गया। सड़कें टूट फूट का शिकार, सिवर सिस्टम भी नाकिस। मकीन बुनियादी सहूलतों से महरूम, अहले इलाका मुंतखब अवामी नुमाइंदों के खिलाफ भट पड़े। तरक्याती काम ना होने पर एहतजाज और नारेबाजी। लाहौर बार के सदारती उम्मीदवार राणा इंतजार हुसैन के एजाज में अशाया, सीनियर और यंग वकला की कसीर तादाद में शिरकत। राणा इंतजार हुसैन की हमायत का ऐलान, वकला की फलाह बहबूद के लिए दिन रात काम करूंगा। राणा इंतजार हुसैन। PSL सीजन 5 के सितारों की कहकशां सच गई। नेशनल क्रिकेट अकेडमी में खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग की तकरीब। हर स्क्वाड में 16 से 18 खिलाड़ी शामिल होंगे। 16 रुकनी स्क्वाड में 11 मुकामी और 5 गैर मुल्की खिलाड़ियों की शमूलियत। तकरीब में PCB हुकाम, खिलाड़ियों और फ्रेंचाइज मालकान की शिरकत। फोटोग्राफी में महारत, बड़ा आर्ट। पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तस्वीरी मुकाबलों की नुमाइश का इनेकाद। 100 तलबा ने मुकाबले में अपने फनपारे पेश किए। तलबा और असातिज़ा की गहरी दिलचस्पी। फ्लैटीज होटल में ब्राइडल कुटोर वीक का शानदार आगाज। बॉलीवुड सितारों की कहकशां से तकरीब में रंगो नूर। खूबसूरत मॉडल्स के रैंप पर फैशन के जलवे। इब्रारुल हक के गानों पर हसीनाओं की कैटवॉक। खुश रंग फूलों ने माहौल को खूबसूरत बना दिया। जिलानी पार्क में गुले दाऊदी की नुमाइश की रनाइयां जारी। शहरियों की बड़ी तादाद कुदरत की रंगीनियां देखने के लिए उमड़ आई।